अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरी जो पुराने व्लॉग थे उनके ऊपर कॉपीराइट आ चुका है, इस वजह से वो मुझे डिलीट करनी पड़ गई हैं। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे शिवजी कॉटन फैक्ट्री के प्यारे प्यारे से व्यूज और उसकी स्टोरी। चलिए आपको दिखाते हैं। अभी तक फाटक खुला नहीं है, वेट कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो गाइस, मजे की बात है कि और यहाँ पर दरबार है पीर बुखारी शाह, और जिनकी रखवाली अम्मा जी करते हैं यहाँ पर होते हैं दिन रात। और अम्मा जी ने मुझे गिफ्ट दिया है ये कड़ा, और क्या ही बात है, मैं किस्मत वाला हूँ। अम्मा ने बताया कि आप किस्मत वाले हो तो मैंने आपको दिया है, और ये कड़ा मुझे तो अच्छा लगा पहन के। ये दिवे लगाए हुए इन्होंने कि कोई भी आके मन्नत वगैरह अपनी माने और यहाँ पर आकर दीवा जला दे। गाइस, आपने देखा होगा कि ये मशीनें पड़ी हैं, अभी तक मशीनें पड़ी हैं जिनको जंगाल लग चुका है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ से कोई भी इनको उठा नहीं सका आज तक। ये सभी करमात पीर बुखारी शाह के। तो गाइज आए आपको यहाँ के दिखाते हैं। और ये उनके क्वार्टर थे जो यहाँ पर उनके वर्कर रहते थे जो यहाँ पर काम करते थे। और ये आपको दिखाते हैं, इनके क्वार्टर भी बड़े मजबूत और अच्छे किस्म के बनाए गए थे। अब तो बहुत ही टाइम हो चुका है, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको इसके साथ के सीन, अंदर के सीन। तो आप देख सकते हैं कितना ही मजबूती से बना हुआ है ये गार्डन था, और जो कि अभी तक भी ये मजबूत पड़ा है। ये जंगाल इसे लग चुका है लेकिन ये अभी तक अपनी मजबूता रियल हालत में है। ये साथ ही जो उनके मालिक थे, ये उनके घर हैं, ये साथ ही घर है उनके। तो यहाँ पर अभी हम जा सकते हैं, रिहायश रखी हुई है कुछ लोगों ने। और ये साथ ही है, ये बहुत सारे मतलब कि झाड़ियाँ वगैरह, कोई रास्ता भी नहीं है, मखसूस रास्ता है वहाँ से। और वो जो रह रहे हैं उनके, अभी हमें परमिशन तो नहीं मिली उनकी वीडियो मतलब कि उधर जाके वीडियो बनाने की, हमें जहाँ तक परमिशन है वहाँ तक हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी के मंजर हम दिखाते हैं आपको करीब रात। तो फ्रेंड्स, आपको अंदर के मंजर दिखाते, काश अंदर के मंजर भी दिखा पाते। ये झाड़ियाँ बहुत सारी बन चुकी हैं, ख़तरनाक मतलब कि यहाँ पर कुछ अजदा सब वगैरह भी हो सकते हैं, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। अब ये देखिए ज़रा झाड़ियाँ कितनी गहरी और ख़तरनाक झाड़ियाँ हैं। हम आपको यहाँ से सीन दिखा देते हैं थोड़े थोड़े। तो गाइज़, आपको ये भी बता दें कि इसका जो नेम है शिवजी कॉटन फैक्ट्री, ये 1943 में ज़ेरे तमीर हुई थी। आप देख सकते हैं अभी तक ये लिखा हुआ है, अभी तक भी ये लिखा हुआ है, अपने मौजूदा हालत में है। फैक्ट्री तो मौजूदा हालत में नहीं है क्योंकि फैक्ट्री को बहुत ही एक टाइम हो चुका है, यहाँ पर जब अंग्रेज़ रहते थे, सिख थे, वो इसे वर्क करते थे, चलाते थे। तब जब ही इसके साथ ये दरबार बनी है तब से ये वीरान हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री के ये डोर होते थे, ये दरवाजे होते थे जिनसे दरवाजे कहते थे कि बहुत सारे, जैसे कि हम बारह दरी जैसे कहते होते थे, ये भी दरवाजे थे एक किस्म के। अब ये दरवाजे हमें काउंट तो नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 बहुत सारे दरवाजे हैं और ये काउंट तो नहीं कर सकते। और ये विंडोज़ थी उनकी,
और बैक बाकी के मंजर हम इसके बैक साइड से दिखाते हैं। तो गाइज ये है दरबार पीर बुखारी शाह, बाबा पीर बुखारी शाह की दरबार है गाइज, बहुत ही मानी तानी दरबार है और ये साथ ये फैक्ट्री है। और गाइज मैं आपको मजे की बताता हूँ, ये दरबार तब से साथ ही है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? आज का व्लॉग था हमारा शिवजी कॉटन फैक्ट्री के बारे में, और काश अंदर के मंजर भी हम आपको दिखा पाते ये झाड़ियाँ ना होती। तो ये झाड़ियाँ बहुत ही गहरी हैं यहाँ पर, ख़तरनाक, मतलब कि सांप बिच्छू बहुत सारे हैं। हमें अम्मा ने बताया, जो यहाँ पर रखवाली करती है, अम्मा ने बताया कि आप अंदर ना जाइएगा, आप बाहर से वीडियो बना लें। तो आज का व्लॉग हमारा यहाँ ख़त्म होता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।